आपके ट्रैवल से जो भी आएगा उसको अच्छा, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा उसको डिस्काउंट जरूर देंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट चला बुखारी और आप देख रहे हैं क्या बात है न्यूज़ टाइम पर। नाज़रीन, मैं इस वक्त ए टू जेड ट्रेंड्स शॉप के बाहर मौजूद हूं और इन शॉप्स के जो ओनर्स हैं उनका ये दावा है, वो ये दावा करते हैं कि वो जेन्युइन और गारंटेड मोबाइल्स को, आईफोन्स को पानी, कोक और स्टिंग में डालकर उसके बाद इनका जो लास्ट जो स्टंट होता है वो आईफोन को आग भी लगाते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये काम कब से कर रहे हैं और इनकी सेल कितनी हो चुकी है, तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। फिर हमारे साथ ए टू जी ट्रेंड्स शॉप के शॉप ओनर्स मौजूद हैं, एहसन एंड जुहैब। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये वाटर टेस्ट और जो इनका फायर स्टंट है वो करते क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये स्टंट करते क्यों, आपको ख्याल कैसे आया किस तरह से हमें आईफोन सेल करने चाहिए? बेसिकली शुरू में ना मार्केट में लोगों से फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता था, तो हम लोगों ने फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए जो है ना वाटर टेस्ट वगैरह जो है ना हमने 2 साल से 3 साल पहले जब किसी को पता भी नहीं था यहाँ पर, तो उस समय इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में। वैसे तो इसकी आईपी रेटिंग एप्पल खुद भी जो है वो शुरू की एड्स चलती थी पानी में डाल के चेक कर दिखा देता था, लेकिन हम लोगों ने जस्ट जो है वो मार्केट में फ्रॉड से बचने के लिए जो है ना वो शुरू में किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों जो है अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, तो इस वजह से हम लोगों ने रिफर्बिश और ओरिजिनल फ़ोन से कंपैरिजन के लिए हमने वाटर टेस्ट शुरू किया था। हमने तो आपके अभी तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं? सेल्स तो ना ही मुझे, सेल्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 साल से कर रहे हैं, हमारे पास सेल्स का इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप हमारे फेसबुक पेज ए टू जी ट्रेंड्स अभी सर्च करें फेसबुक के ऊपर, तो आपको तकरीबन 7,000 से ज़्यादा वाटर टेस्ट कस्टमर के किए हुए मिल जाएंगे। आप तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कस्टमर जो है वो 7,000 वाटर टेस्ट यहाँ पर करके जा चुका हुआ। आप हमें अभी एक वाटर टेस्ट करके दिखाएं। जी मैं कर देता हूँ, ये आप बताइए कौन सा है? था ये आईफोन 11 है। ओके, ये और ये जो है 12 प्रो है। इसके अलावा ये 12 प्रो मैक्स है। ऑन है इसमें, देखिए ना ऑन है। जी बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जैक में जो है वो टेप वगैरह लगी है, जैक के अंदर जो है वो हम पानी डाल लें, तो कुछ नहीं है, 100% ओरिजिनल फोन से जो है वाटर टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आपका अगला प्रोसेस क्या होता है? इसके बाद प्रोसेस ये होता है कि हम लोग वाटर टेस्ट के साथ जो वारंटी कार्ड बना देते हैं कस्टमर को, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ पर वाटर टेस्ट करवाते हैं और बाद में जाके जो है वो दुकानदार कहते हैं कि ख़राब हो जाते हैं इनके फ़ोन, तो हम लोग उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग वाटर टेस्ट के बाद जो है वो अपना वारंटी कार्ड देते हैं कि 7 डेज में अगर कोई भी मसला परेशानी आ जाए तो आप फ़ोन चेंज करवा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी सुना जा रहा है कि मार्केट में ना फ़ोन रीपैक हो रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं, क्या सिचुएशन है? रीपैक आज से साल पहले रीपैक नहीं थे, अभी जो है क्योंकि देखिए रीफर्बिश फ़ोन पड़ता है सस्ता, तो क्या करते हैं दुकानदार रीफर्बिश फ़ोन जो है वो मंगवाते हैं, उसको यहाँ से तकरीबन 300 रुपये की जो है वो टेप लगती है, उसको जो है वो रीपैक करके जो है वो कस्टमर को देते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो ओरिजिनल फ़ोन होता है वो ओरिजिनल ही होता है, रीफर्बिश फ़ोन के अंदर मसले मसाइल बोलते हैं, इसलिए लोगों ने 2 नंबर ही करने के लिए रीपैक करवा रहे हैं उसको। तो इसके बाद जो आपका अगला स्टैंड है वो क्या है? अगला स्टैंड फायर टेस्ट है, वो फायर टेस्ट करेंगे, वो कोक टेस्ट भी है, वो कोक टेस्ट एसन भाई करके आपको दिखाएंगे। पर जो है वो चेक वारंटी नहीं देता, तो आप मतलब इस तरह से करते हैं कि डैमेज वो हो जाए तो आप मतलब उसको अपने पर ब्लेम करेंगे? पहली बात तो ये कि देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल ये फ़ोन पानी में भी जा रहा है, ठीक है, ये अगर आप पूल में लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पूल में लेके गए हैं, आप अगर जंप लगाते हैं पूल के अंदर, तो इसके स्पीकर होते हैं हल्के, वो जंप आप लगाते हैं उसकी डैमेज स्पीकर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो एप्पल इसी को क्लेम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से फ़ोन लेते हैं, आपसे यहाँ से गिर जाता है, फर्श पर गिरता है, तो डैमेज हो जाता है, तो उसका क्लेम कोई भी दुकानदार नहीं लेगा, ठीक है। एज इट इज़ अगर पानी की तरफ चले जाएँ, तो अगर पूल के अंदर जो है अगर आप जंप लगाते हैं, पूल में जाकर अगर आप जंप लगा रहे हैं, तो पानी का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो फ़ोन को डैमेज कर देता है, तो उस चीज़ का क्लेम कोई भी नहीं देता, ना फर्श पे गिरने का कोई क्लेम लेगा और ना ही वो पानी के अंदर जो है वो डैमेज होने का क्लेम जो है वो लेगा, इस वजह से डैमेज क्लेम नहीं होता। आप इसको वाटर रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लाइक पानी में गए आराम से स्लोम वगैरह बनाकर बाहर आ सकते हैं। तो अगर इन सारे प्रोसेस के बाद भी फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका फिर क्या रिएक्शन होगा? हमारा रिएक्शन ये हम चुप करके फोन चेंज करके देते हैं कस्टमर को। ठीक है, थैंक यू सर। आपके जो आईफोन्स की प्राइसिंग है वो मार्केट से हाई क्यों है? बेसिकली जो हमारा काम है ना, सारे ओरिजिनल फोन्स का काम है, रीफअप का काम नहीं है, रिकंडीशन का काम नहीं है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो आपको मार्केट से हमेशा ही एक्सपेंसिव मिलेगी अदर रेट पे, ठीक है। आप रिकंडीशन ले लो, रीफअप ले लो, बॉडी चेंज ले लो, वो आपको मार्केट से बहुत डाउन प्राइस में मिल जाएगा। एक चीज़ की वर्थ है लाइक 2 लाख रुपया। अभी मैं आपको इसकी बॉडी चेंज करवाया तो या कोई डैमेज फोन लेके इसको रीपैक करवाया तो
तो मुझे कॉस्ट 170 की पड़ेगी, तो मैं उसको 180 में भी सेल कर सकता हूँ। मगर जब आप पुरुष प्रोडक्ट लेंगे उसकी कॉस्ट ही 200 पड़ती होगी डॉलर, क्योंकि मेन इसकी प्राइस जो कैलकुलेट होती है वो डॉलर के साथ होती है और वो डॉलर के साथ ही चलनी है। आज डॉलर ऊपर गया ये फ़ोन मजीद महंगा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से लोकल ट्रेड करूँगा, लोकल ट्रेड आपको रिफंड मिलेगा, रिकंडीशन मिलेगा, वो मार्केट में आपको बहुत लो प्राइस में मिल जाते हैं। बॉडी चेंज होगा, बैक चेंज होगी, बैटरी चेंज होगी, वो नॉर्मली कस्टमर जज नहीं कर सकता। मगर ओरिजिनल प्रोडक्ट जो भी है वो आपको 100% ओरिजिनल ही मिलेगी और ओरिजिनल मिलने के बाद उसकी प्राइस आपको मजीद हाई मिलेगी। ये नहीं आप कह सकते कि चीज़ ओरिजिनल हो, 100% बिल्कुल ब्रांडिंग हो, वाटरपैक हो और प्राइस आपको लो मिले, वो फिर आपको कोई रीपैक या कोई रिकंडीशन चीज़ मिल सकती है, इसलिए मेरी प्राइस हाई है, तकरीबन हाई रहती है। सर ये जो सारा प्रोसेस है ये सिर्फ आईफोन्स पे होता है या और भी कंपनीज के फोन्स पे आप करते हैं? जो जो फ़ोन वाटरपैक कंपनी ने आपको दिए हैं, जो कंपनी कहती है ये फ़ोन वाटरपैक है, आप उसको उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो। ये नहीं है कि आप कंपनी एक चीज़ कह रही है नहीं है और आप ना करो। एक चीज़ कंपनी कहती है फ़ोन मेरा सैमसंग के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे नोट सीरीज़ है, वो वाटरपैक है, आप उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन पे हो, कुछ मॉडल नहीं आते वाटरपैक। अब सैमसंग के कुछ मॉडल वाटरपैक नहीं है, हमारे के कुछ मॉडल वाटरपैक नहीं है, और मोस्टली अब जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जितने भी गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं, सभी वाटरपैक। थैंक यू सर। अच्छा सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई हमारे चैनल के रेफरेंस से आता है तो आपसे कितना डिस्काउंट देंगे? उसको मजीद आपके चैनल से जो भी आएगा उसको अच्छा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा उसको डिस्काउंट जरूर देंगे। थैंक यू सर। मैम आपने देखा कि हम ए टू जेड ट्रेंड्स शॉप पे आए थे और यहाँ पे हमने ऑनर से बात भी की और हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया है। आई होप नाज़रीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अपनी होस्ट चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्या बात है, क्या बात है।